हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आपका स्वागत है हमारे चैनल आरसी एटूजन में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक आरसी पुशर प्लेन। जो लोग पहली बार आरसी प्लेन बना रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट आरसी प्लेन है, क्योंकि जो पहली बार आरसी प्लेन बनाते हैं उनको सही से उड़ाना नहीं आता है, इसलिए वो ज़्यादातर करके क्रैश करते हैं, जिसके कारण प्लेन को बहुत डैमेज हो जाता है। मगर इस प्लेन को अगर क्रैश करते हैं तो इसमें मोटर, एसी, बैटरी से जलने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि प्रोपेलर पीछे की ओर रहता है, जिसके कारण क्रैश करने पर इसमें कम नुकसान होता है, इससे कम से कम खर्चा पड़ता है, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेन है। तो चलिए बिना किसी तरीका वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे फ्यूजलाज का डायमेंशन है, ये मैंने फोम के शीट से ऐसा 3 पीस काटा है, और इन तीनों को मैं फेविकॉल की मदद से जोड़ दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको फेविकॉल की मदद से अच्छी तरह से जोड़ रहा हूँ, और इसको टेप से अच्छी तरह से बांध दे रहा हूँ ताकि जब सूख जाए तो अच्छी तरह से पकड़ ले। लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से सूख चुका है। मैं टेप को हटा दूंगा और इसके पीछे का डिज़ाइन बनाऊंगा। पीछे का इसको गोल बनाना है अच्छी तरह से। इसको बनाने के लिए मैं इसको अच्छी तरह से काट रहा हूँ, इसको रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी ये परफेक्ट गोल नहीं हो पाया है, इसलिए मैं इसको काट के हटा दे रहा हूँ और दूसरे अलग से मैं गोल बनाऊँगा। पहले चलिए इसके आगे वाला डिज़ाइन बना लेते हैं, उसके बाद इसका गोल वाला बनाएंगे। इसके आगे वाला डिज़ाइन बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत लगने वाला है, इसलिए अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए और गाना सुनते हुए बनाइए। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को कौन सा गाना पसंद है, हिंदी गाना या भोजपुरी गाना या फिर पुराने हिंदी गाना, इन तीनों में से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से घिस के का डिज़ाइन बना लिया है, मगर अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसमें टेपिंग बाकी है। अब चलिए इसके पीछे वाला बना लेते हैं, टेल सेक्शन बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने 2 इंच और 1.5 इंच का 2 सर्कल बनाया है प्लास्टिक पीवीसी शीट से, और ये 2 इंच बाई 22 इंच का 2 फोम का शीट लिया। इन सबको अभी जोड़ना नहीं है, बस इन सर्कल को जिप्सम स्क्रू के मदद से फोम में अच्छी तरह से कस देना है। जिप्सम स्क्रू फोम में बहुत अच्छी तरह से कसाता है और ये अच्छी तरह से टाइट हो जाता है, क्योंकि इसका घाट काफ़ी दूर दूर पर रहता है, इसी वजह से ये फोम में अच्छी तरह टाइट हो जाता है। उसके बाद इसको थर्मोकोल कटर की मदद से काट के निकाल लेना है। निकालने के बाद ये उतना परफेक्ट गोल नहीं रहता है, इसीलिए इसको सैंड पेपर से घस के इसको अच्छी तरह से गोल कर लेना है। गोल करने के बाद इसमें हम जो वो गोल वाला पहिया सर्कल लगाए थे उन सबको खोल के निकाल लेना है। जब आप इसको खोल लिएगा तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। उसके बाद इसको मजबूती देने के लिए मैं इसमें बैम्बू स्टिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। बैम्बू स्टिक्स से ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बैम्बू स्टिक्स को इस पे रख के इस पे मार्क कर लूँगा और कागज़ कटर की मदद से दोनों में खद्दा कर लेना है इसी तरह से। उसके बाद स्टिक पे फेविकॉल लगाकर उसमें इसको चिपका देना है, और दोनों टुकड़े को भी फेविकॉल की मदद से अच्छे से जोड़ देना है। उसके बाद इसको बॉडी से फेविकॉल की मदद से अच्छी तरह से जोड़ देना है। इसमें खूब अच्छे से फेविकॉल लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मजबूती होने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देख सकते हैं मैं जिस तरह से खूब सारा फेविकॉल लगाया हूँ, आप भी लगाइएगा और इसको टेप से थोड़ी देर के लिए कर लीजिएगा। अब ये सूख चुका है, लगभग 12-13 घंटा बाद सूख चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग देने जा रहा हूँ। अच्छी तरह से इसको चाकू की मदद से फिनिशिंग दूंगा और सैंड पेपर से घस के इसको एकदम स्मूथ कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये घसा गया है। मैं इसको पहले सेलो टेप से अच्छी तरह से कवर कर दूंगा, उसके बाद इसको पेपर टेप से कवर करूंगा।
आप देख सकते हैं मैंने इसको सेलो टेप और पेपर टेप दोनों से कवर कर दिया, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। यह हमारे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र का डायमेंशन है, मैंने इसको काट के निकाल लिया है और इसको साइड से आगे की ओर से राउंड कर दिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कीजिए, अगर मन नहीं तो नहीं कीजिए। अब मैं एलिवेटर काटने जा रहा हूँ। एलिवेटर काटने के लिए मैं पेपर कटर का यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी स्मूथ काट देता है। और इसको एक साइड से तकरीबन 30 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे काट कर उसको सैंड पेपर से घस देना है। यही प्रोसेस दोनों में करना है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ, आप सेम वैसे ही कीजिएगा। उसके बाद इसको पेपर टेप की मदद से दोनों तरफ से जोड़ देना है, फिर इसको पेपर टेप की मदद से पूरे में कवर कर देना है, जिससे मजबूत भी हो जाएगा और काफ़ी खूबसूरत भी नजर लगेगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैं इस प्लेयर में पेपर टेप का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, या फिर सेलो टेप के बाद भी पेपर टेप का यूज़ क्यों कर रहा हूँ। ये हमारे वर्टिकल स्टेबलाइज़र का डायमेंशन है, जिसको मैंने काट के निकाल लिया है। इसको भी मैं पेपर टेप की मदद से अच्छी तरह से कवर कर दूँगा। अब देख सकते हैं मैंने इसको कवर कर दिया है, और इसको हमारे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र के माप के हिसाब से काट के निकाल लेना है, फिर इसमें ग्लू गन से अच्छी तरह से इसको चिपका देना है। ध्यान रहे कि ये 90 डिग्री पे ही चिपके, आपके पास जो भी 90 डिग्री मिलाने वाला है उसे मिला सकते हैं। और इसको अच्छे से जोड़ देना है और फिर इस पर टेप से अच्छी तरह से कवर कर देना है। उसके बाद इसमें हम कंट्रोल हॉर्न लगाएंगे, तो कंट्रोल हॉर्न लगाने के लिए मैं ग्लू गन का ही यूज़ कर रहा हूँ, और ये ग्लू गन अच्छा से चिपका देता है कंट्रोल हॉर्न को। उसके बाद इसमें 9 ग्राम सर्वो मोटर मैं लगा रहा हूँ, आपके पास जो सर्वो मोटर है उसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बेस्ट तो 9 ग्राम ही सर्वो मोटर होता है। अब देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया, हमारा टेल सेक्शन पूरा रेडी है। अब देख सकते हैं मैंने इसमें पहले से ही काट के इसको घिस के प्लेन कर लिया है, ताकि इस पर अच्छी तरह से ये जुड़ जाए, और इसको मैं ग्लूगन की मदद से अच्छी तरह से इसमें जोड़ दूंगा। अब देख सकते हैं मैंने इसको जोड़ दिया, कुछ इस तरह दिख रहा है। चलिए विंग बना लेते हैं। तो ये हमारे विंग का डायमेंशन है, ये विंग हमारा दो भाग में बनने वाला है, जिसका एक भाग ये है 20/8 का मैंने लिया है, या 8 इंच का एयरफॉइल है। एयरफॉइल बनाने का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। इनको मैं जिप्सम स्क्रू की मदद से कसूंगा। आप देख सकते हैं मैंने इसमें इसको अच्छी तरह से कस दिया है। अब मैं इनको हॉट वायर कटर की मदद से काट के निकाल लूँगा। हॉट वायर कटर बनाने का वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। विंग को स्मूथ करने के लिए मैं सैंड पेपर से इसको अच्छी तरह से घस दूँगा। घसने के बाद हमने जो इसमें एयरफॉइल लगाया था उसको निकाल लेना है। देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से घस लिया है। सेम इसी प्रोसेस से मैंने दो बनाया है, और इन दोनों को मैं हमें जोड़ना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। और इसको जोड़ने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको पीछे से भी ग्लू गन की मदद से अच्छी तरह से चिपका देना है। और इनको मजबूती देने के लिए मैं बैम्बू स्टिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। बैम्बू स्टिक्स को विंग पर रख कर मार्कर की मदद से मार्क कर लेना है, और चाकू की मदद से काट के जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे खद्दा कर लेना है, और उसमें उसको फंसा के फेविकॉल की मदद से अच्छी तरह से जोड़ देना है। फेविकॉल से जोड़े, या फिर आपके पास ग्लू गन है तो ग्लू गन की मदद से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। बैम्बू स्टिक से ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसके कारण अगर ये क्रैश करे तो टूटता नहीं है। उसके बाद इसको पेपर टेप की मदद से बैम्बू स्टिक्स को ढक देना है, फिर इसमें पूरे में सेलो टेप से कवर कर देना है अच्छी तरह से, ताकि ये एकदम मजबूत हो जाए। देख सकते हैं मैंने इसको पूरी तरह से सेलो टेप से कवर कर दिया है। अब मैं इसके आगे का थोड़ा डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बना सकते हैं, अगर मन ना है तो ना बनाए, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बनाएंगे तो भी प्लेन अच्छे से उड़ेगा, नहीं बनाइएगा तो भी प्लेन अच्छे से उड़ेगा।
आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरह से बना लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसका एलेरॉन काटने जा रहा हूँ। एलेरॉन का डायमेंशन विंग के डायमेंशन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इस प्लेन में रडर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें एलेरॉन का यूज़ कर रहा हूँ। जनरली मैं अगर रडर का यूज़ करता हूँ तो एलेरॉन का यूज़ नहीं करता हूँ, और एलेरॉन का यूज़ करता हूँ तो रडर का यूज़ नहीं करता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने दोनों में एलेरॉन काट लिया है। अब मैं इसमें कंट्रोल हॉर्न लगाने जा रहा हूँ। ये कंट्रोल हॉर्न होममेड है, इसके बनाने का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मैं इनमें भी 9 ग्राम सर्वो मोटर्स का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ सर्वो मोटर फिट कर दिया है। इनका कनेक्शन एकदम ईजी है, प्लस प्लस माइनस माइनस और सिग्नल सिग्नल तीनों को एक साथ जोड़ देना है। देख सकते हैं एलेरॉन हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब मैं विंग को पेपर टेप से अच्छी तरह से कवर कर दूंगा। मैं पेपर टेप का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सेलो टेप पर पेंट अच्छी तरह से नहीं पकड़ता है, मगर पेपर टेप पे अच्छी तरह से पेंट पकड़ लेता है। अब देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से पेपर टेप से कवर कर दिया है। अब मैं इसको ग्लूगन के मदद से फ्यूजलास पे जोड़ दूंगा, जो हमने बॉडी बनाया था उस पर अच्छी तरह से इसको चिपका दूंगा। पीछे और आगे दोनों साइड से अच्छी तरह से चिपका देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से चिपका दिया है, और ये मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, गोल बनाए, चारकोर बनाए, जिस तरह से बनाना बना लीजिए, और इसको ग्लू गन की मदद से उस पर चिपका देना है। और मैंने ये पीवीसी का पाइप का टुकड़ा लिया है जिसको मैं इसके पीछे चिपका दूंगा ताकि इसमें मोटर लगा सकूँ, और इसको अच्छी तरह से टेप से पूरी तरह से ढक दूंगा ताकि ये मजबूत है, क्योंकि इसमें मोटर लगने वाला है तो मोटर मजबूत नहीं रहेगा तो उखड़ सकता है, इसलिए इसको बहुत मजबूती से अच्छी तरह से चिपका देना है, और इसको टेप से भी अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये 2200 KV का गोल्डन BSDC मोटर है जिसको मैं स्क्रू के मदद से उस प्लास्टिक के पीवीसी पाइप में कस दूंगा, और ये 6045 हरा कलर का प्रोपेलर है जिसको मैं इसमें कस दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने प्लेन के आगे का मुंह काट कर उसमें होल कर लिया है ताकि मैं इसमें बैटरी रख सकूं, और मैंने प्लेन में लैंडिंग गियर भी लगा दिया है। लैंडिंग गियर बनाने का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मैंने फ्लाइज का एफएसआई इसका रिसीवर यूज़ किया जिसको मैंने विंग पे चिपका दिया। 30 एम्पेयर का एसी का भी यूज़ किया जिसको विंग पे ही चिपकाया हूँ, और मैंने आगे पीछे दोनों तरफ लैंडिंग गियर लगा दिया है। ये हमारे प्लेन का CG का डायमेंशन है। आगे से 2 इंच पे हमारे प्लेन को पूरी तरह बैलेंस होना चाहिए, जैसा कि आप लोग को डायमेंशन पे रेड लाइन दिख रहा होगा। अगर प्लेन इस लाइन पे अच्छी तरह से बैलेंस नहीं होगा तो हमारा प्लेन सही से नहीं उड़ पाएगा। मैंने प्लेन को अच्छी तरह से कलर कर दिया है। अगर मैं कलर करने का वीडियो इस वीडियो में डालता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए नहीं डाला हूँ। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि प्लेन कलर कैसे किया जाता है। प्लेन उड़ाने के लिए मैं यहाँ पताही हवाई अड्डा में आया हुआ हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।